इंतखाबी दंगल के लिए तमाम हैवी वेट्स ने अखाड़े चुन लिए। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। कागजात नामजद की जमा, जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। नवाज शरीफ ने 130 लाहौर से मैदान में उतरेंगे। बानी पीटीआई मियांवाली से उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ कसूर और कराची से किस्मत आजमाएंगे। बिलावल भुट्टो ने 196 शहदाद कोर्ट से इंतखाब लड़ेंगे। मरियम नवाज के पीएससी सरगोधा से भी कागजात नामजद की जमा। शाह महमूद कुरैशी ने 150 से मैदान में उतर पड़े। 151 से मेहरबानो कुरैशी और पीपी 218 से जैन कुरैशी इंतखाब लड़ेंगी। जहांगीर तरीन ने 149 155 और पीपी 227 से उम्मीदवार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 248 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। एन 78 से खुर्रम दस्तगीर ने पेपर जमा करवा दिए। मुराद सईद एन 3 और एन 400 सवाद से किस्मत आजमाएंगे। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फिर सियासत में एंट्री। पीपी 284 तौंसा से कागजात जमा कर दिए। लाहौर के हल्का एन 130 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नवाज शरीफ और पीटीआई से यास्मीन राशिद आमने सामने। दोनों ने कागजात जमा करवा दिए। कायद नून लीग को 26 दिसंबर को स्क्रूटनी के लिए बुला लिया गया। हल्के से पीपी जमात इस्लामी और अवामी तहरीक के उम्मीदवार मदे मुकाबल 10 आजाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। रावलपिंडी में भी जोर का जोर। NA 57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल मदे मुकाबल। NA 56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान आमने सामने। रावलपिंडी के चारों हलकों में चार वकला बहन भाई भी उम्मीदवार। गुजरात में परवेज इलाही और अहलिया के कागजात NA 64 और PP 32 से जमा। मोनस इलाही ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शुजात हुसैन की हमशीरा। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालफीन को निशाने पर रख लिया। बोले, इलेक्शन के बाद मियां साहब का नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। साइफर केस एक संजीदा मामला है, हकीकत आवाम के सामने आनी चाहिए। जो साइफर बानी पीटीआई के पास गया इसका रिकॉर्ड ही नहीं। साइफर की कहानी सामने लाने के लिए हुकूमत तहकीकात करे या जजेस जुडिशियल इंक्वायरी करें। मजीद कहा, हर जमात के कारकुनान को सियासत करने की आजादी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, सियासी इंतकाम पर नहीं। हम अपने मुखालफीन के साथ भी ये सलूक नहीं चाहते। इंतखाबात के बाद जयाला वजीर आजम बनेगा। 1970 के वो वाहिद इलेक्शन थे जिसको मुकम्मल तौर पर पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया था, और आज जो इंतखाबात हम करवा रहे हैं वो भी उसी की ममासलत नजर आ रहे हैं। तो हकीकत तो मैंने ये बात कही भी है, ये तो वैसे ही है कि मतलब वोट से जंग शुरू की जा रही है। मियां साहब तो वोट को इज्जत दो के नारे से निकले थे, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे इंतखाबात हुए बहुत बड़ी रुसवाई आएगी। इंतखाबी निशान और कागजात नामजद की छीन लेना इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। 8 फरवरी के इंतखाबात ने 1977 के बदनामे ज़माना इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी। 1977 के इकदाम का अंजाम भी 1977 वाला ही होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने खदशात जाहिर कर दिए। कहा, जमहूरियत के खिलाफ जंग सबकी शिकस्त बन जाएगी। मजीद कहा, इकतदार देकर नवाज शरीफ वोट की इज्जत के नारे पर यू टर्न ले चुके। इस तरह के इंतखाबात का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को होगा। अदलिया मुल्क को 1977 के हालात और अंजाम से बचाने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है, हर कोई किसी ना किसी का लाडला है। नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। एहसन इकबाल कहते हैं, नाकाबिले तस्हीर पाकिस्तान नवाज शरीफ का ख्वाब है, मगर उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दिया गया। सीट एडजस्टमेंट के लिए असूलों पर अमल दरामद किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पीटीआई ने 9 मई को लेवल प्लेइंग फील्ड को खुद आग लगाई। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जख्म लगाए। हर इलेक्शन पर मेला लगने की तवक्को नहीं कर सकते। हर जो दिन गुजर रहा है इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग पीटीआई ने खुद लगाई 9 मई को, और उनका ये ख्याल था
कि प्लेइंग फील्ड उनका उनकी जागीर है, उसको जिस तरह चाहें वो आग लगा दें। कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावटों के इत्तला, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खुद एक्शन लेना पड़ गया। आईजी से टेलीफोन करा बता, कागजात नामजदगी जमा कराने में हल रुकावटें दूर करने की हिदायत। कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं, आईजी की मुकम्मल तावुन की यकीन दहानी। तमाम आरपीओ को हिदायत जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। तहरीके इंसाफ की क्यादत तब्दील, इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई का नाम पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से हटा दिया। सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त वेबसाइट पर जारी। परवेज खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम, सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले। जजिस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने के पुराने खत को मंसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर अदलिया, जजिस और उनकी फैमिली से मुतालिक हतक आमेज मुहिम चलाई गई। 12 अक्टूबर का मुरासला 16 दिसंबर को सबसे पहले सियासी जमात से वाबस्ता जेबी अकाउंट से पोस्ट किया गया। अकाउंट से बानी पीटीआई के मुकदमात पर जजिस और अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। चंद टीवी चैनल्स पर चलाई गई खबरों के स्क्रीनशॉट शेयर करके मजमू मकसद को आगे बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी वजाहत से प्रोपोगेंडा काउंटर किया गया। लॉन्ग मार्च के शुरका मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा है। दहशतगर्द कभी भी रियासत पाकिस्तान से जीत नहीं पाएंगे। निगरान वजीर इत्तला'आत जान मोहम्मद अचकजई कहते हैं नाराज बलोच लीडर्स को कौमी धारे में लाने से भारत को धचका लगा, उनकी कोई कमेटी नहीं। खवातीन और बच्चों का इस्तेमाल किया, रियासत को एक एजेंडे के तहत चार्जशीट किया जाता है जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा पर बमबारी से मजीद 201 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों इमारतें तबाह। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। यूएन स्कूल के अहाते में खड़ी गाड़ियां मुकम्मल तबाह। सेहूनी जारहियत से गजा में 5 इसराइली यरखमाली मारे गए। हमास की जवाबी कार्रवाइयां, मजीद 13 फौजी जहन्नुम वासल, 5 शदीद जख्मी। दर्जनों इसराइल फौजी गाड़ियां, टैंक और बुलडोजर तबाह। गजा में भूख की किल्लत और खुराक की किल्लत भूख का आलम। इसराइली फौज ने पानी का आखिरी प्लांट भी उड़ा दिया। फलस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जंग बंदी की चाबी अमरीका के पास है। गजा में कत्लेआम अमरीका ही रुकवा सकता है। अमरीकी सदर कहते हैं नेतन्याहू फौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ्फुज यकीनी बनाएं। उधर सेहूनी जहाजों पर बहीरा अरब में हमले शुरू। भारतीय साहिली इलाके में बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। गजा में इंसानी हकूक की पामालियों पर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली परेशान। कहा सोचा था दुनिया में अच्छे इंसान और ममालिक हैं, लेकिन ये सच साबित नहीं हुआ। इंसानों के एक ग्रुप के लिए तो इंसाफ की बात की जाती है, मगर दूसरे के लिए नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क भर में मुल्की सूरत हाल, आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। आज तकसीम करने वालों को शिकस्त हो गई। खालिद मकबूल सद्दीकी का इज्तमा से खिताब। मुस्तफा कमाल बोले पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर को मच्छर कॉलोनी बना दिया। जुबान की बुनियादों पर और कितने जिले बनाओगे, काले अंग्रेजों से भी आजादी हासिल करेंगे। नून लीग और जमीयत अहले हदीस का मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों और दोनों जमातों के दरमियान सियासी तावुन पर तबादला ख्याल। जमीयत के वफद ने नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारक पेश की।
अवाम को अब दो खानदानों की बादशाहत कबूल नहीं। सिराज उल हक का अटक में जलसे से खिताब, कहा 8 फरवरी को कौम ना अहल सियासी ट्रायका से निजात हासिल करेगी। जमात इस्लामी इक्तदार में आकर अदलो इंसाफ का निजाम कायम करेगी। बंदियों पर एतराजात, इंतखाबात के नतायज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। हल्का बंदियों पर एतराजात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया गया। आम इंतखाबात में मखसूस नशस्तों पर ख्वातीन भी पेश पेश। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर 13 ख्वातीन मैदान में, सिंध असम्बली में 29 ख्वातीन और अकलियती नशस्तों पर 11 नाम सामने आ गए। उधर GDA की ख्वातीन की तरजीही लिस्ट में सायरा बानो सरफहरिस्त, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का नाम दूसरे नंबर पर। कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गजा लेबर मार्च, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की शिरकत। कहते हैं अमेरिका और बरतानिया ने साजिश के तहत यहूदियों को फलस्तीन में बसाया। दो रियासती हल की बात इसराइली अजाइम को तकवीत देने के लिए है। लाहौर में स्मोक और फोक मिल गई, सांस लेना मुश्किल, देखना भी दुश्वार। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर, कराची का 8वां नंबर। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटर M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। जाड़ा जोबन पर आ गया, मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। बलूचिस्तान में सर्दी ने जिंदगी जमा दी। कोयटा और कल्लाथ ने पारा -2 रिकॉर्ड। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, बर्फ से ढके पहाड़ों ने सर्दी में रंग भर दिए। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सियासत में आने का नहीं, वापस जाने का इरादा है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर-ए-आला ऑफिस का खर्चा खुद उठा रहा हूँ, मुझ समेत मेरे वज़रा और मुशीर तनख्वाह नहीं लेते, हराम खाने वालों पर लानत भेजता हूँ। मोहसिन नकवी का रावी पुल और शाहदरा चौक का दौरा, कहा रावी पुल फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा, शाहदरा और इमामिया कॉलोनी पुल भी जल्द बनेंगे। हजार 2023 में भी रुपए की कदर बहाल ना हो सकी। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 56 रुपए तकड़ा हुआ। मईशत की बदहाली के बावजूद स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। इस बाजार करेंसी और गोल्ड मार्केट पर मुश्तमिल रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। बर्फबारी का सीजन, वादी सवात में सियाहत उरूज पर पहुंच गई। पाक फौज और FC के तहत खसूसी फेस्टिवल का इनेकाद, जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले, कल्चरल स्टॉल्स लगाए गए। इलाकाई फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। भारत की वुमेन क्रिकेट टीम तारीख रकम कर दी। पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ख्वातीन टीम को टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। मुंबई के वाखंडे स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त। दुनिया भर में क्रिसमस की रौनकें, इमारतें जगमगा उठी। फ्रांस का एफिल टावर और ब्रिटानिया की मार्केटें रोशन। मैड्रिड में सेंटा क्लॉस का रूप धारे हजारों अफराद की दौड़। दुनिया भर के स्टोर्स पर सेल जारी। अमरीकी शहरों में चहल पहल बढ़ गई। गाजा में कत्लेआम के 22 फलस्तीन समेत कई ममालिक में क्रिसमस तकारीब सादा। पोप फ्रांसिस का गाजा जंग के मुतासरीन से इजहार यकजहती, क्रिसमस सादगी से मनाने की तरगीब।
मगरबी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में हीट वेव अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में 12-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। पर्थ में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। मशरकी साहली इलाके मूसलाधार बारिश की जद में। न्यू साउथ वेल्स में सैलाब की वार्निंग। वर्सेटाइल अदाकार मोइन अख्तर का आज 73वां यौम पैदाइश। मोइन अख्तर को फन की एकेडमी कहा जाता था, टीवी हो, फिल्म हो या फिर स्टेज। मोइन अख्तर ने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया।